आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू देखेंगे खनिज संसाधन से संबंधित। उसमें भी हम पहले धात्विक खनिज के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पुरानी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हल करेंगे। उनसे ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं और उनको देख के ये पता चलेगा प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कड़प्पा तंत्र, ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन सी गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन डी विंध्य तंत्र। तो दो तंत्र आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रख लें, एक धारवाड़ तंत्र और एक गोंडवाना तंत्र। ये दो तंत्र ऐसे हैं जहाँ भारत के सबसे अधिक खनिज मिलते हैं। धारवाड़ा क्रम की जो चट्टाने हैं उसमें मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अगला सवाल है विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा खनिज है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी लो अयस्क। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है चूना पत्थर। विंध्य शैलों में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन ए है पश्चिम में, ऑप्शन बी है दक्षिण में, ऑप्शन सी है उत्तर में, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्वी भाग में भारत के सबसे अधिक खनिज संसाधन मिलते हैं। अगला सवाल है निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक खनिज संसाधन संपन्न राज्य है। और तो ये अगले जो एमसीक्यू है वो आयरन ओर के बारे में है। तो पहला सवाल है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क एक मेटालिक मिनरल से है। मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो आप आंसर समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें आयरन ओर का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए विंध्यन क्रम, ऑप्शन बी कुड़प्पा क्रम, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी धारवाड़ क्रम। सेम प्रश्न है जो पहले पूछा गया है उसी सेम इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अगला सवाल निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? ऑप्शन ए सीवान, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन डी सिंहभूमि, ऑप्शन सी कुद्रेमुख। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कुद्रेमुख, या कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें अधिक हैं तो कुद्रेमुख में आयरन ओर ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भारत में, अच्छा ये थोड़ी सी जानकारी है कि भारत में आयरन ओर के और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा में मिलता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले स्टेट, और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक गोवा वगैरह आते हैं, और अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश राजस्थान केरल वगैरह अन्य प्रदेश आ जाते हैं। तो अगला सवाल है राजस्थान की नाथरा की पाक क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है आयरन ओर, ऑप्शन बी कॉपर यानी तावा, ऑप्शन सी सीसा या ब्रॉन्ज जस्ता, ऑप्शन डी मैंगनीज। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में सबको लगेगा कि राजस्थान में आयरन ओर नहीं मिलता होगा, सीसा जस्ता तांबा ये ज़्यादा मिलते हैं राजस्थान में, पर आयरन नाथरा की पाल जो क्षेत्र है वहाँ पे आयरन ओर भी मिलता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, ऑप्शन ए आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है नाथरा की पाल क्षेत्र। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है लो अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, और ऑप्शन सी मैग्नीज अयस्क, ऑप्शन डी अभ्रक। तो बैलाडीला की जो खाने हैं वो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी खनिज से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयरन ओर। अगला सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, और दूसरा है भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और तीसरा है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा
एक या एक और तीन। भारत विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक नहीं है, तो एक और तीन इसका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल जस्ते के बारे में एमसीक्यू है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है राजसमंद जिले के राजपुर दरीवा में, ऑप्शन बी उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में, ऑप्शन डी उदयपुर जिले के झामरा कोटड़ा में। तो इसका राइट आंसर है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार जो उपलब्ध है वो भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में है। भीलवाड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो राइट आंसर इसका सी है, भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। अगला सवाल है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है इनमें से किस खनिज पर? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो इसका आंसर है जस्ता। जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। जस्ता इज द राइट आंसर। अगला सवाल तांबे के बारे में, निम्नलिखित कथनों में तांबा, सॉरी निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है केसली, ये मंडला में है, ऑप्शन बी डल्ली राजहरा, ये दुर्ग में है, ऑप्शन सी बेलाडीला बस्तर और ऑप्शन डी मलाजखंड बालाघाट। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो मलाजखंड बालाघाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। तो ऑप्शन डी बालाघाट मलाजखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप इसमें दो दो एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी, क्योंकि बिहार और झारखंड ये नॉन मेटालिक मिनरल्स यहाँ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हालांकि और भी मिलते हैं पर नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बचे दो कर्नाटक और राजस्थान। तो कर्नाटक में आयरन ओर की अधिकता ज्यादा है, तो तांबा का जो सबसे अधिक भंडार है वो राजस्थान में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो खनिज एक तरफ दिए हैं और 90% प्राकृतिक स्रोत इसके कहाँ पे हैं वो स्टेट के नाम दिए हैं। तो पहला है तांबा, दूसरा है निकेल और तीसरा है टंगस्टन, और दूसरी तरफ दिए हैं झारखंड, उड़ीसा और केरल। आपको बताना है जो ऐसे दिए हैं ये सुमेलित हैं कि नहीं, या कौन से सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए है एक और दो सुमेलित हैं, ऑप्शन बी है दो सुमेलित हैं, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन सुमेलित हैं, ऑप्शन डी है एक दो और तीन सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है एकदम ऑप्शन सी, एक और तीन सुमेलित हैं। तामा है, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो निकेल है वो उड़ीसा में मिलता है। तांबा 90% झारखंड में नहीं मिलता, वो तांबा राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, और जो टंगस्टन है वो केरल में नहीं मिलता है, कर्नाटक में मिलता है इसका अधिकांश भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकेल उड़ीसा, निकेल उड़ीसा में 90% इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सूची तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो एक तरफ तांबे के क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ स्टेट के नाम दिए हैं। आपको बताना है कौन सा तांबे का जो क्षेत्र है वो किस स्टेट में मिलता है। तो जो पहले तांबे के क्षेत्रों के नाम देख लेते हैं, पहला है चंद्रपुर, दूसरा है हासन और तीसरा है खम्मान और चौथा है खेतरी। और स्टेट के नाम दिए हैं वो इस प्रकार हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो आपको इसको सही तरीके से मिलाना है, तो आप मिला सकते हैं, देखो हासन कर्नाटक में है, ये आप मिला सकते हैं। तो बी का चार होगा, तो बी का चार सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो आप इसी एलिमिनेशन मेथड से पूरा सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि बी का चार किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको आंसर इसका मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ए में ही बी का चार दिया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बाक्साइट अयस्क के बारे में। तो बाक्साइट अयस्क है सीसा का है या एल्युमिनियम का है या जस्ता का है या तांबा का है? तो जो बाक्साइट है वो अयस्क है एल्युमिनियम का, बाक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है टिन के बारे में। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन कहाँ पर ज्यादा मिलता है आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, ऑप्शन सी। अगला सवाल फिर अगला है, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये प्रश्न के चार ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? सेम सवाल है, अलग परीक्षा में रिपीट हुआ इसलिए मैंने लिया। तो देखिए आप कितने प्रश्न रिपीटेड किए जाते हैं, तो आपको ये भी देख लेने, याद कर लेने, क्या पता बीओ में इससे भी प्रश्न दोबारा से रिपीट कर दिए जाएं। और आप ये भी देख सकते हैं कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो ये हुए आज के ज्योग्राफी के सारे सवाल, इसमें मेटालिक मिनरल्स हमने पूरा कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे हम पूरा ज्योग्राफी कवर कर लेंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।